मैं हूं आपके साथ यास्मीन। देश में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने के बाद कई स्टार्स ने वोट करने की अपील की थी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की बायोपिक को लेकर लोगों के बीच काफी गहमागहमी है। जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म की रिलीज पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। जाहिर है चुनाव आयोग के इस फैसले ने मेकर्स को भी निराश किया होगा। यहां तक कि इस फैसले पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपनी राय रखी है, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस रेणुका शहाने ने इस फैसले को सही ना बताते हुए ट्विटर के जरिए अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि मैं किसी भी फिल्म के स्थगित होने का सपोर्ट नहीं करती हूं। यदि हमारे सेंसर बोर्ड इसे पास कर देते हैं और यदि जिस व्यक्ति पर फिल्म आधारित है उसके परिवार को इससे कोई आपत्ति ना हो, इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक पार्टियों पर फोकस करना चाहिए ये देखने के लिए कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं, ना कि फिल्मों और टीवी सीरियल्स पर। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जो अक्सर अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, उनका कहना है कि चुनाव आयोग जो भी करता है या कहता है तो वो हर जगह लागू होना चाहिए। इतना ही नहीं, कंगना की फिल्म मणिकर्णिका में नजर आए जिशान आयोग ने भी अपनी राय रखते हुए कहा कि फिल्म बैन नहीं हुई है, सिर्फ डिले की गई है, जिस तरह अमिताभ बच्चन के चुनाव लड़ने के दौरान हुआ था, जब दूरदर्शन ने उनकी फिल्मों को ना दिखाने का फैसला किया था, और तो और हेमा मालिनी के वॉशिंग पाउडर वाले एड को लेकर भी ऐसा किया गया था। तो देखा आपने, बायोपिक पर लगी रोक को लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने क्या कहा। बात करें इस फिल्म की तो बता दें कि उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विवेक ओबरॉय पीएम मोदी के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन संदीप सिंह, सुरेश ओबरॉय और आनंद पंडित ने मिलकर किया है, और अब देखना यह होगा कि आखिर ये फिल्म कब तक रिलीज होती है।